हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट सेज दैट डायमीटर ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस एट द सेंटर इज 3 mm। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ लेंस इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। 2013 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, कि अगर हम एक यहाँ पर लेंस बनाए प्लेनो कॉन्वेक्स, ये सपोज एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हमने, ये साइड प्लेन है, तो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस यहाँ पर गिवन है 3 mm और इसका रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर बिकॉज डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस को बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर इसको हेमी स्फेरिकल बना सकें। तो ये इसका सेंटर हो गया, कर्वेचर जो है, क्योंकि लेंस का ये जो पार्ट है कर्वेचर है, तो ये इसका सेंटर हो गया सी। और अब ये जो डिस्टेंस है ये हो गई रेडियस, या इधर भी हम बना सकते हैं रेडियस, ये डिस्टेंस है रेडियस। यहां पर सी पॉइंट से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है, और ये जो पॉइंट है इसको हम M बोल देते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में हम देखें, इन ट्रायंगल सी ए एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, तो सी ए एम ट्रायंगल में, यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो AC अगर है देखें, तो AC तो रेडियस हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू CM हो गया यहाँ पर रेडियस माइनस MP। अब MP क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया हुआ था 3 mm, तो इसको सेंटीमीटर में 0.3 लिख देंगे, प्लस AM क्वेश्चन में यहाँ पर ये इधर दिया हुआ है, इसका वैल्यू ये है परपेंडिकुलर, यहां से हमने ड्रॉ किया 3 mm, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आर स्क्वायर तो इधर सब्ट्रैक्ट हो गया और ये रिमेनिंग टर्म है माइनस इधर, तो ये रिमेनिंग टर्म है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे इधर, तो 3 स्क्वायर को मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये गया 0.6 R इक्वल टू 9, यहाँ से R आ जाएगा 90/6 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से हमें R का वैल्यू मिल गया नियरली, इसको हमने इग्नोर कर दिया, 0.3 का स्क्वायर को यहाँ कैलकुलेशन में हमने इग्नोर कर दिया, ये पार्ट इग्नोर, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा होगा इसलिए इसको हमने इग्नोर किया, R हमें मिल गया। तो अभी इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर स्पीड है 2 × 10⁸, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2 × 10⁸, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 3/2। लेंस मेरर लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्योंकि यहाँ प्लेन सरफेस है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर स्टेप्स इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1/2 आ गया, सो ये हो जाएगा 30। फोकल लेंथ यहां पर आया 30 सेंटीमीटर, सो हियर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।